मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई दिनेश कश्यप जी, हमारे ओडिशा के सांसद, पूर्व अध्यक्ष श्री वसंत कुमार पांडा जी, बस्तर के जिला अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी मंडावी जी, और तीन विधानसभाओं से आए हुए हमारे प्रत्याशी जगदलपुर के श्री किरण सिंह देव, आगे आओ किरण सिंह जी, ताली बजाओ किरण सिंह जी के लिए। बस्तर के श्री मणिराम कश्यप जी, आगे आइए मणिराम जी। चित्रकूट के श्री विनायक गोयल जी, विनायक आगे आओ। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जुहार। बहुत समय के बाद मैं बस्तर में आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में मेरे ट्राइबल और पिछड़े भाइयों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो हमारी भूमि है, इस भूमि पर आकर सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी को शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। अभी अभी मां का आशीर्वाद लेकर मैं यहां आया और यहां पर किरोला मंदिर, बत्तीसा मंदिर और छत्तीसा मंदिर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद प्रवीर बंजदेव, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की धरती पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में तीन दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मलेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। मित्रों, आज मैं यहां हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताने आया हूं। तीनों प्रत्याशी किरण सिंह देव वर्षों से जगदलपुर में महापौर रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा बस्तर के जिला के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा जनता के बीच में काम करने वाले किरण देव सिंह को हमने टिकट दिया है। आप जरूर उनको आशीर्वाद दीजिए। श्री विनायक गोयल, कोई भी दिन दुखिया आए, किसी भी तकलीफ हो, विनायक जी चित्रकूट में हमेशा उपलब्ध मिलते हैं। और मणिराम कश्यप, लगभग 3 दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बजाना, मणिराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव
हमारे मणिराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं मणिराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है, चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मणिराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना, कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मित्रों, और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई,
मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है, उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए, इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको, जरा जोर से बोलो मिल रहा है ना, हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू आपने क्या किया, शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुआ 5000 करोड़ का घोटाला और 267 SC ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर SC ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल शर्म करो, शर्म करो, युवा निवस्त्र होकर आपके राज में रैली निकालता है, आपको शर्म मानी चाहिए। आज मैं कहने आया हूं भाई और बहनों, आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी सरकार ने बाहर समुदायों को धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइनिया, भुइया और भुयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी ST में लाकर वर्षों की मांग पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया और भगवान बिरसा मुंडा को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के, जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी, ओडिशा की गरीब घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर मेरी बहनें बैठी हैं, अभी अभी चंद्रयान तो चंद्र पर पहुंचा ही, G20 से दुनिया भर में वाहवाही हुई,
मगर माताओं बहनों, आपके लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं, प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे कहकर सरकार बनाई थी, एक भी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? 50,000 शिक्षकों के पद की भर्ती हुई है क्या? संपत्ति कर 50% कम किया है क्या? और इसके साथ साथ बिजली का बिल आधा करने का किया था, आधा तो नहीं किया, बिजली घुल कर दी उन्होंने, पूरे बस्तर को अंधेरे में डुबोने का काम किया है। भाई और बहनों, ये बघेल सरकार ने वादा खिलाफी करी है। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है कांग्रेस पार्टी का, एटीएम बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मुझे बताओ, आदिवासी युवाओं के, माताओं के, बच्चियों के पैसे जो दिल्ली पहुंचाए भ्रष्टाचार कर, वो सरकार को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? हम जब यहां सरकार में थे, हम पीडीएस लेकर आए। हम जब सरकार में थे, तेंदू पत्ता का बोनस शुरू किया। हम जब सरकार में थे, चावल खरीदना शुरू किया। हम जब सरकार में थे, बस्तर के क्षेत्र को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया। ये जोर से झूठ बोलने वाली सरकार है। अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट, इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। मोदी जी ने जगदलपुर की सभा में ये बात कहकर बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया है। और मित्रों, स्वास्थ्य का बेड़ा भी इन्होंने गर्क कर दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, वन अधिकार पट्टा वितरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था, वो पूरा का पूरा स्थगित हो गया है। तेंदू पत्ता की कीमतें 4 गुना बढ़ी, मगर कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है। और इसके कारण आदिवासियों को बड़ी तकलीफ हुई है। मित्रों, मोदी जी अभी आए थे, हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रख कर गए। मगर मैं बताता हूं, अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती की, तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी, कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहां कुछ नहीं होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 27,000 करोड़ में राज्य सरकार और 5-6 हजार करोड़ जोड़कर बस्तर के संपूर्ण विकास का रास्ता आगे ले जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। 32 लाख गरीब लोगों को छत्तीसगढ़ में नल से जल देने का काम किया है। 5 लाख तक का लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और 30 लाख माताओं को
शौचालय देने का काम किया है। 25 लाख 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 11 लाख गरीबों को आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, आपके सामने 2 विकल्प है। एक और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज, घर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी ओर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार कर दिल्ली दरबार में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं आज पूछने आया हूं बस्तर के मेरे माताओं, भाइयों, बहनों को, बताइए आप भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक बनाएंगे? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे? आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी जरा। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। परिवर्तन महासंकल्प सभा में हमारे देश, हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने हम सभी जनता